उत्तर प्रदेश के अमरोहा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और महबूब अली के साथ राष्ट्रीय सचिव जावेद अली ने जिला अधिकारी अमरोहा को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अमरोहा में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमरोहा सदर विधायक महबूब अली ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर ज्ञापन प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर दिया गया है। महबूब अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और समाज के हर तबके पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। किसान और नौजवान परेशान और बेरोजगार है, लेकिन सरकार की कोई भी नीति किसी भी काम को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज किसान सड़कों पर है और बेरोजगार रोजगार के लिए आवाज उठा रहा है, पूरा देश सड़कों पर है। महबूब अली ने कहा कि इन सब समस्याओं को लेकर ही महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद अवधि ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने साथ प्रदेश के तमाम छोटे दलों को साथ लेकर चल रही है, जिससे कि कांटे रूपी बीजेपी के पेड़ को उखाड़ा जा सकता है। नौगांवा सदात विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर बात करते हुए जावेद अवधि ने कहा कि अभी तक किसी भी पार्टी से समाजवादी पार्टी की बात नौगांवा में होने वाले उपचुनाव को लेकर नहीं हुई है, लेकिन सपने देखने का अधिकार सभी को है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ज्ञापन था। प्रदेश में लगा उतार हो रहे अत्याचार और समाज के हर तबके के साथ जो बर्बादता और सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है, जो बेरोजगार हो, किसान हो, आज किसान की फसलों से संबंधित MPA के लेकर लगातार सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही और आज तक प्रधानमंत्री जी का भी भाषण हमने कई बार सुना है, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं कि ये वो सीधा स्पष्ट बताने में असमर्थ हैं शायद कि प्राइवेट को जो न्यूनतम मूल्य है उससे किसी भी कीमत पर कोई भी व्यापारी प्राइवेट का नहीं खरीदेगा। सरकार की बात तो करते हैं कि सरकार जब खरीदेगी नहीं तो न्यूनतम मूल्य की बात कहाँ से आएगी। इसलिए आज प्रदेश के सामने बड़ी ऐसी जो पूरी दैवीय स्थिति इस वक्त है कि महामारी के वक्त में रोड पर निकल कर पूरा प्रदेश नहीं देश आज रोड पर निकल कर उसका विरोध कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो ज्ञापन देखिए ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे एक बार उन्होंने कितनी बार एक बात कही है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जो छोटे दल हैं उनको ज़रूर एडजस्ट किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी के इस कांटेदार दरख्त को ज़मीन से उखाड़ने का इरेडिकेट करने का काम किया जा सके। तो हमारा ज़रूर जो छोटे दल हैं, महान दल है, लोक दल हैं या और पूरब के कई दल हैं, उन्हें सबको मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से अभी लोग कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है और वो सीट जो है नौगांवा की आप उनके खाते में जा सकती है और आप भी दावेदारी वहाँ से कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अभी तक ना तो लोक दल के किसी बड़े नेता ने कोई इस तरह से बात की है, ना अभी कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति या कोई ऐसा बात अभी सामने आई है। और जाहिर है कि बहुत से लोग सपने देखते हैं, सपने देखने का हक तो सभी को है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.